देव एवं परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठे हमारे समस्त देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। हर रविवार के जैसे इस रविवार को भी हम सभी यहाँ अच्छे विचारों को ग्रहण करने के लिए आए हैं। भाइयों, एक बात तय होती है कि अगर अपने जीवन में अच्छे विचारों का एक बार समावेश हो जाता है तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में जुड़ी जितनी सारी बुराइयाँ हैं, जितने सारे कष्ट हैं, जितने सारे व्यर्थ के पदार्थ जो हमारे जीवन में समाहित हो गए हैं, वो अपने आप धीरे धीरे धुलते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा कि कूड़े का ढेर होता है और कूड़े के ढेर को अगर जलाना होता है, नष्ट करना होता है, तो हम माचिस की तीली जलाते हैं और कूड़े के ढेर में नीचे से आग पकड़ा देते हैं। देखते देखते कुछ चंद सेकेंड्स में, मिनट में कूड़ा का सारा ढेर जल करके खाक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में जितनी सारी बुराइयाँ आ जाती हैं, जितनी गंदगियाँ आ जाती हैं, व्यर्थ के ऐसे चिंतन आ जाते हैं जिसके चलते हमारा चरित्र जो होता है वो डाइवर्ट होने लगता है, अपना रास्ता चेंज करने लगता है। अपना प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ युवाओं के बीच में, उनके मस्तिष्क में अच्छे विचारों का समावेश करके सारे निगेटिविटी से उनको दूर कर देता है। यही काम अपना प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ विगत 24 वर्षों से करता चला आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत में स्वामी विवेकानंद, जिस समय भारत गुलाम था और यहाँ से वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो में जाते हैं, ढंग से पैसे भी नहीं थे उनके पास कि अपना निर्वाह वो शिकागो में कर सकें, वहाँ पर अपना रहने का खर्चा शिकागो में उठा सकें, खाना खाने के भी पैसे नहीं थे, सारे पैसे समाप्त होने वाले थे। और वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि धर्म सम्मेलन अब कुछ दिनों के बाद होगा। अब उतने महंगे शहर शिकागो में गरीब देश भारत का स्वामी विवेकानंद सोचते हैं कि मैं कैसे अपना गुजारा करूँगा। वहाँ पर जाते हैं तो एक बात और पता चलता है कि धर्म सम्मेलन में जो व्याख्यान देंगे उनका अपना कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किसी ट्रस्ट से वो जुड़े होने चाहिए या फिर किसी बड़े व्यक्ति का, नामी हस्ती का एक रिकमेंड लेटर उनके पास होना चाहिए जिससे वो अपना व्याख्यान दे सके। वैसा उनके पास कुछ नहीं होता है। जब धर्म सम्मेलन में चले जाते हैं तो वहाँ उनका मजाक उड़ाने के लिए जितने शिकागो वासी थे, अलग अलग धर्म से आए हुए जितने सारे गुरु थे, सब कहते हैं कि तुम तो गुलाम देश से आए हो, गरीब देश भारत से आए हो, तुम हम लोगों को क्या सिखाओगे, तुम्हारे पास सिखाने के लिए क्या है, तुम्हारा देश तो अपने गुलाम है, भूखमरी की स्थिति है, लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तुम हमें क्या ज्ञान दोगे। और वही स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाने के लिए लोग उनको टॉपिक देते हैं, तुम्हें जीरो के ऊपर अपना व्याख्यान देना है, अपना व्याख्यान तुम जीरो के ऊपर प्रस्तुत करो, एक ऐसा टॉपिक जिसे सुनने के बाद अच्छे अच्छे जितने आप कह सकते हैं धर्म गुरु थे, सब लोगों का हालत खराब हो जाता था। सब लोगों को मेरा जीरो के ऊपर अपना व्याख्यान देता, नहीं साहब हम जीरो के ऊपर व्याख्यान नहीं देते।